नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, लास्ट क्लास में अपनी चर्चा चल रही थी किस पे, फिल्टर के बारे में। फिल्टर के बारे में अपन ने जाना, इसका काम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। उसके बाद अपन ने स्टार्ट कर लिया था फिल्टर को, चार भागों में बांटा था फिल्टर को, LC, LC और पाई अनुभाग फिल्टर, जिसे पाई फिल्टर भी कहा जाता है। एक फिल्टर अपन ने पढ़ा था सी फिल्टर, उसकी वर्किंग वगैरह अच्छे से पढ़ ली थी अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एल फिल्टर, उसकी वर्किंग भी अपन ने लास्ट क्लास तक अच्छे से देख ली थी। एल फिल्टर और सी फिल्टर में जो कमियां रही, क्या वो 100% एसी को रोक रहे थे क्या, प्यूरिफिकेशन का काम 100% कर रहे थे क्या? आप कहोगे नहीं सर, उनके आउटपुट में डीसी के साथ क्या थी, एसी का कुछ ना कुछ पार्ट था। इसलिए अपने को एक नए फिल्टर की जरूरत पड़ी, अपग्रेड फिल्टर की जरूरत पड़ी, उसको क्या बोला अपन ने, एलसी फिल्टर। आज अपन पढ़ेंगे एलसी फिल्टर के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, किस तरीके से एसी को रिड्यूस करता है आउटपुट से, एसी को कम करता है आउटपुट से, उर्मिका गुणांक को कम करता है किसके लिए, दिष्टकारी के लिए। इन सभी की चर्चा आज अपन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसी फिल्टर। बेटा, एलसी फिल्टर को एक नाम और लिया जाता है इसका, एलसी फिल्टर, और एक नाम और कौन सा लिया जाता है भाई, इसको बोला जाता है एल अनुभाग फिल्टर। अगर पेपर में एलसी फिल्टर आए या फिर एल अनुभाग फिल्टर आए, तो आप समझ लेना वो क्या पूछना चाहता है आपसे एलसी फिल्टर के बारे में। बनाए इसकी स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो मेरे को एक क्या लेना पड़ेगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी ले लूं क्या। उसकी स्ट्रक्चर क्या कैसी होती है भाई, एक सबसे पहले ट्रांसफार्मर लिया मैंने। ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये उच्चई है या अपचई है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि मैंने बता रखा है पहले ही, पहले की वीडियो में अच्छे से समझाया था ट्रांसफार्मर को। ये इतना पार्ट क्या कहलाता है, दिष्टकारी। ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये इतना पार्ट डॉटेड वाला, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये दोनों डायोड लगा दिया, D1 और D2, ये पूरा सर्किट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बोलो, ये कहलाएगा दिष्टकारी। कौन सा कारी, दिष्टकारी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। इसका काम क्या होता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी, ये तो पढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा कौन सा फिल्टर है, एलसी। एलसी का मतलब एक तो एल लगाना पड़ेगा अपन को और एक सी लगाना पड़ेगा, पड़ेगा एलिमेंट के आधार पे इनके नाम रखे गए हैं एलसी। तो पहले कौन है, एल है, तो पहले किसको लगाना पड़ेगा, एल को लगाना पड़ेगा। और आपको पता है क्या एल कैसे लगता है, आप कहोगे सर प्रेरकत्व हमेशा समांतर क्रम में लगता है, लगा दिया, इसे लिखा मैंने एल से। इसके बाद क्या है, सी है, तो बाद में क्या लगेगा, सी कैपेसिटर लगेगा, संधारित्र लगेगा। संधारित्र हमेशा कैसा लगता है सर्किट में, समांतर क्रम में, कैसे लगेगा इस सर्किट में, समांतर क्रम। हो गया क्या, आप देखो एलसी बन गया क्या, पहले लगा एल फिर लगा सी, इसकी संधारिता धारिता कितनी है, सी। तो यहां पर लास्ट में क्या लगा दूं मैं, लोड रेजिस्टेंस लगा दूं क्या, आर एल। क्या ये एलसी फिल्टर का सर्किट बन गया क्या, आप कहोगे हाँ जी सर। याद रखने के लिए एलसी, तो एल पहले आएगा और सी आएगा बाद में। एल प्रेरकत्व हमेशा लगता है श्रेणी क्रम में, संधारित्र हमेशा लगता है समांतर क्रम में, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप कहोगे सर इसका दूसरा नाम भी तो लिखा है आपने, एल अनुभाग। एल अनुभाग का मतलब है एल जैसी आकृति वाला, क्या एल बन रहा है क्या,
देखो ये देखो, क्या ये L बन रहा है क्या? इसको उठाकर सीधा करूं, दर्पण प्रतिबिंब है ये, इसको सीधा करूं तो ये कैसी शेप दिखेगी अपने को? इस प्रकार की दिखेगी। क्या L ऐसा होता है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर, इसमें आकृति कैसी बनती है? L जैसी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है L अनुभाग फिल्टर। करें इसकी वर्किंग, स्ट्रक्चर समझ आ गई अच्छे से? आप कहोगे हाँ जी सर, हमें स्ट्रक्चर समझ आ गई, आप इसकी वर्किंग करो। पहले हाफ के लिए यहां क्या है? एसी करंट है क्या? ये लो, क्या है? एसी। पहले हाफ के लिए आउटपुट मिलेगा डी वन से, मिलेगा क्या? कैसा मिलेगा? ये लो, किसकी वजह से? डी वन के लिए। यहां की बात कर रहा हूं भाई मैं, अभी मैं कहां की बात कर रहा हूं? सिर्फ यहां की, तिष्ठकारी की। दूसरे हाफ के लिए माइनस है, तो डायोड कौन सा काम करेगा? ये वाला। इसकी वजह से क्या आएगा? आउटपुट आएगा। एक सर्कल की बात कर लूं, बाकी तो आगे समझ जाओगी। एक की प्लस और माइनस दोनों की कर ली, डी वन और डी टू से आउटपुट मिला। अब यहां जो धारा होगी, धारा आई, क्या धारा आई मैं लिख सकता हूं क्या? आई ए सी प्लस में आई डी सी होगा क्या मिश्रण? आप कहोगे हाँ जी सर, आउटपुट में देखो फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसका मतलब ए सी और डी सी का मिक्सचर मिलता है अपने को दिष्टकारी के आउटपुट में। मिलता है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये प्रेरकत्व क्या काम करेगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया था L किस सिद्धांत पे काम करता है? स्वप्रेरण के सिद्धांत पे। L कैसे काम करेगा? XL प्रतिबाधा लिखूं इसकी, देखूं तो क्या होगी? ओमेगा L लिखते हैं क्या? प्रतिबाधा ओमेगा L से लिखते हैं। L क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं बात करूं इस I की, आई में कौन सा है? एक पार्ट एसी का है, एक डीसी का पार्ट है क्या? अब डीसी वाले की बात करूं, डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है रे? फ्लक्चुएशन कितना होता है? जीरो। तो एक्स एल बराबर क्या होगा? जीरो होगा क्या? आप कहोगे हाँ जी सर, इसमें जो डीसी वाला पार्ट है उसके लिए ये प्रतिबाधा कैसी होगी? जीरो होगी। एक सिंपल तार की भांति काम करेगा, इसलिए डीसी तो इससे बिना इसके सिरों पे पतन हुए सीधी निकल जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या डीसी का? आप कहोगे नहीं होगा सर, उसके लिए प्रतिबाधा कितनी हो गई? जीरो। ये एल क्या कहेगा डीसी को? भाई साहब आप आगे निकलो, हम आपके नहीं रोक सकते, ये वीआईपी है। इसके लिए वीआईपी गाड़ियां कभी बैरिगेट्स पे रुकती है क्या? टोल नाके पे रुकती है क्या? डायरेक्ट टोल नाका खोल दिया जाता है। इसको डीसी को देखा, एल कहता है आप वीआईपी हो, आगे चले जाओ। अब आया एसी वाला, इसमें एसी भी तो था, एसी आया। एसी के लिए कुछ ना कुछ ओमेगा होगा क्या? आप कहोगे होगा। इसका मतलब एक्सएल की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ होगी, तो इसको यहां रुकना पड़ेगा। किसको? एसी को। एसी यहां रुका, स्वप्रेरण के सिद्धांत से इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, एसी का कुछ पार्ट इसके सिरों पे क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप के रूप में यही रुक गया। कुछ पार्ट कहां चला गया? आगे चला गया। चला गया क्या? आई एसी भी गया आगे, आई डीसी भी गया, कुछ पार्ट गया। एसी का कुछ पार्ट तो यही वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कुछ पार्ट जो बचा कुचा था वो आगे चला चला गया, इस नोड पॉइंट पे आ गया। यहां पर एसी और डीसी दोनों को मार्ग दिखे, डीसी इधर आया, इधर आया तो क्या दिखा इसको? संधारित्र। किसको? डीसी वाले को। डीसी के लिए ओमेगा, सॉरी एक्ससी बराबर क्या होती है? वन ओवर ओमेगा सी, और ओमेगा कितनी होती है डीसी के लिए? जीरो। तो एक्ससी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, हो जाएगा।
डीसी इधर आना चाहता था लेकिन ये संधारित्र को देखकर नहीं आया, क्योंकि इसकी और इसके बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है। तो डीसी इधर जा पाएगी क्या, बोलो रे, डीसी नहीं जा पाएगी। डीसी के लिए यहां प्रतिबाधा कितनी है, अनंत है, तो वो कहां चली जाएगी, आरएल पे चली जाएगी। अब बची एसी, एसी इधर आई क्योंकि एसी के लिए कुछ ना कुछ ओमेगा होगा तो एक्ससी भी होगा, तो एसी का बचा कुचा पार्ट यहां आकर किसके काम आ जाएगा, संधारित्र को चार्ज करने में। इस संधारित्र को क्या करेगी, एसी वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो इसको चार्ज करेगा। तो अपन को आउटपुट में क्या मिला, डीसी मिला। एसी का कुछ पार्ट यहां का था, खपत कहां होगी एसी के कुछ पार्ट की, एल पे हो गई, बचे खुचे पार्ट की कहां हो गई, सी पर हो गई। इसका मतलब ये क्या किया, इसने एसी को आउटपुट में जाने से रोक लिया, उससे पहले ही उसको खत्म कर लिया। सिंपल भाषा में समझे, बच्चे को पैसे दिए, चॉकलेट ले ली दुकान से, यहां दुकान थी, चॉकलेट ले ली, यहां से खाता हुआ चला गया, क्या घर पहुंचते पहुंचते उसकी चॉकलेट खत्म होगी कि नहीं होगी, अगर वो खाता हुआ आया तो। आप कहोगी होगी सर, वहां से निकला कुछ यहां खा ली कुछ यहां खा ली, तो क्या घर पे पहुंची क्या चॉकलेट, घर पे जाते जाते खत्म होगी। वही क्या हुआ, एसी के साथ हुआ, कुछ पार्ट यहां वोल्टेज ड्रॉप के रूप में खपत हो गया, कुछ पार्ट इसको चार्ज करने में खत्म हो गया, और आउटपुट में अपने को सिर्फ क्या मिली, आई डी सी मिली। समझ आया, दोबारा समझाऊं क्या इसको, थोड़ा थोड़ा देख लो। यहां पर क्या था, इस वाले पॉइंट पे आई था, आई में कौन कौन सा पार्ट होता है, आप कहोगे सर आई में आई एसी प्लस आई डी सी था। प्रेरकत्व का काम क्या होता है, प्रेरण उत्पन्न करना, स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है ये, ईएमएफ जनरेट होता है, इसलिए इसके सिरों पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। कौन सी होगी, पहले मैंने देखा डीसी के लिए, डीसी के लिए ओमेगा कितना होता है, जीरो होता है, इसके लिए डीसी के लिए ये बैरिकेड का काम नहीं करेगा, डीसी को ये सीधा निकलने देगा, बिना किसी रुकावट वोल्टेज ड्रॉप के डीसी निकल गई सीधी। अब बची एसी, एसी के लिए ओमेगा होता है, इसलिए इसके सिरों पे एसी का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, पतन होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ यहाँ खपत होगी। यहां आया डीसी का कुल पार्ट था, एसी का बचा कुचा पार्ट था इस वाले नोड पॉइंट पे। यहां मैंने देखा आगे लगा है संधारित्र लगा है, मैंने डीसी वाले को कहा भाई तू जा, वहां क्या है ओमेगा बराबर जीरो, इसके लिए डीसी के लिए एक्स सी क्या होती है, अनंत होती है, हाई प्रतिबाधा होती है, उच्च प्रतिबाधा होती है, किसके लिए, डीसी के लिए, इसलिए यहां डीसी आएगी क्या, जहां आपको डर होता है वहां जाते हो क्या, नहीं जाते, इसलिए यहां डीसी ना आकर डीसी कहां चली गई, लोड पे। बची खुची एसी जो एल पे खपत हो गई थी कुछ, तो एल से जो बच गई थी वो किसके काम आएगी, सी को चार्ज करने में काम आएगी। ये क्या कहलाता है, एक तरीके के इस फिल्टर को जो एल अनुभाग फिल्टर है या एलसी फिल्टर है उसको आदर्श फिल्टर भी कहा जा सकता है, इसे एक तरीके की छलनी मान सकते हैं, जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है, अपन चाय को उसके अंदर से छानेंगे तो चाय को क्या कर लेंगे, अपन ऊपर ही रोक लेंगे और जो लिक्विड चाय है, जो बनी हुई चाय है वो नीचे अपने पात्र में आ जाती है। वैसे यहां होता है एसी को तो अपन ने एल और सी पे रोक लिया और डीसी को कहां ले गए, आउटपुट में, यही अपने को जरूरत थी। ये क्या करता है, एक दिष्टकारी के लिए उर्मिका गुणांक के मान को बहुत ज्यादा कम कर देता है। मोस्टली इसी फिल्टर का अपन यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। आशा करता हूं समझ आया होगा। इसकी कमी क्या रही, आप कहोगे सर ये अगर फिल्टर अच्छा है, छलनी की तरह काम कर रहा है, तो आगे वाला जो पाई फिल्टर है उसका क्या यूज हुआ, फिर उसकी क्या जरूरत पड़ी। देखो बेटा, यहां कुछ ना कुछ एसी का पार्ट रिड्यूज हुआ, पतन हुआ, कुछ ना कुछ पार्ट एसी का यहां भी रिड्यूज हुआ चार्जिंग में, लेकिन
क्या सारा का सारा एसी खत्म हो गया क्या? एसी पार्ट सारा का सारा यहाँ यूज हो गया क्या? नहीं, कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आउटपुट में रह जाता है। इसीलिए अपने को बिल्कुल प्योरली डीसी के लिए अपन किसका यूज करते हैं? पाई फिल्टर का। वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी ये वाली क्लास। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।